जम्मू कश्मीर पुलिस ने छन्नी इलाके में हुई चोरी से दो चोरों के गिरोह का भंडाफोड़ कर लाखों की चोरी का माल बरामद किया। आरोपितों के खुलासे से लाखों रुपए मूल्य के सोने के जेवरात, बिजली उपकरण, फोन, कैमरा व अन्य सामान बरामद किया गया। एसपी विनय शर्मा ने पत्रकारों को इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि छन्नी पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर परवेज के नेतृत्व में कई कामयाबियां हासिल की है। इकट्ठा हुए हैं हमारे छन्नी पुलिस की कुछ कामयाबियां यहां डिस्कस करने के लिए। छन्नी पुलिस लेड बाय इंस्पेक्टर प्रवेश जिसकी अध्यक्षता यहां थाना प्रभारी हैं, इन्होंने एक स्पेशल टीम का गठन किया था, खुद उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कुल मिला के इन्होंने दो गैंग्स चोरों के जो हैं वो पकड़े हैं। उनमें से जो एक गैंग है उन्होंने एडमिट किया है, वो मैं गैंग के पहले लड़कों के उनके नाम बता दूंगा। एक राहुल अनुरागी है, सन ऑफ पप्पू अनुरागी, छतरपुर एमपी का, और दो माइनर हैं, वो दोनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, जिनका नाम हम आपके सामने नहीं बता पाएंगे। उन्होंने हमें कुछ रिकवरीज दी हैं, जो गोल्ड कड़ा हैं दो, गोल्ड रिंग दो, ब्रेसलेट एक, गोल्ड चेन एक, मंगलसूत्र एक, ईयर टॉप 7, ईयर रिंग्स वगैरह, ये सब एक गैंग जो राहुल अनुरागी जिसको लीड कर रहा था उनसे रिकवरीज हुई हैं। हमारा केस एफआई नंबर 157 और 186 जो हैं ये सॉल्व हुए हैं। सिमिलरली एक और गैंग सेम टीम ने पकड़ा है, जिससे हमारे कुछ और केसेस निकले हैं 77, 90 और 131 ऑफ 2019 के छन्नी पुलिस स्टेशन के ही तीन केसेस और निकले हैं। ये गैंग जो था ये मोहम्मद नबी अंसारी, सन ऑफ माकिमुद्दीन अंसारी, झारखंड का रहने वाला, और दूसरा मोहम्मद शकील, ये अखनूर का रहने वाला है, ये गुजनगर प्रेजेंटली वहाँ रहता है, गुजरपुरनी। हाँ, ये दो लड़के जो थे इन्होंने हमें कुछ रिकवरीज करवाई हैं, जिनमें गोल्ड चेन हैं दो, गोल्ड डायमंड रिंग्स हैं, कड़े हैं, बैंगल्स हैं, रिस्ट वॉचेस हैं 10। ये रिस्ट वॉचेस जो हैं ये बड़ी महंगी किस्म की घड़ियाँ थी, टैब्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कैमरा वगैरह, कुल मिला के हमारे कोई 22-25 लाख की ये रिकवरीज बन रही हैं। इसमें एक बड़ा एक दिलचस्प सा पहलू है इस रिकवरी और इस केस में, कि जो ये मोहम्मद अंसारी और ये मोहम्मद शकील जो हैं, ये चोरी की आइटम्स मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त में इस्तेमाल करते थे, और ये मादक पदार्थ जो हैं, नारकोटिक आइटम्स जो हैं, वो ये खरीदते थे राशिद अली, सन ऑफ हुसैन मोहम्मद, पीरबाग कॉलोनी बठिंडी, यहाँ का रहने वाला है। तो ये अपने किस्म का पहला इस तरह का केस है कि ये चोरी के आइटम्स और नारकोटिक डीलर्स जो हैं, इनके बीच का जो ये इस तरह का जो नेक्सस है, हम बस्ट करने में कामयाब हुए हैं। इसका पूरा श्रेय जो थाना प्रभारी छन्नी थाने के इंस्पेक्टर प्रवेश हैं उनको जाता है, और इसकी जो सुपरविज़न थी वो RS राही SDPO ईस्ट कर रहे थे। थैंक यू। दोनों गैंग्स आपस में कहीं पर दोनों गैंग्स का आपस में कोई रابطہ नहीं है, और ये दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे थे। इसमें गौरतलब है कि जो आइटम्स मैंने आपको बताई, इसके अलावा कुछ और भी रिकवरीज हुई हैं, जिसमें LCDs हैं 3, लैपटॉप है, आईफोन है, कैमरा है, गोल्ड चेन है, और गोल्ड बैंगल्स वगैरह हैं। अभी हम इनको इन कुछ केसेस के साथ कोशिश करेंगे लिंक करने की। हमें पूरी उम्मीद है कि इन दो गैंग्स से हमें कुछ और भी रिकवरीज मिलेंगी, और गैंग्स तक भी हम पहुंचेंगे, काफ़ी सारे और चोरी के केसेस सॉल्व होने की हमें उम्मीद है। सर, आपने दो ये पूरे समाज की जिम्मेवारी है, कुदरती तौर पर टीचर्स की, स्कूल्स की और पेरेंट्स की तो है ही, हम सबको इस तरफ ध्यान रखना होगा। इसी दौरान मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, हम लोगों को अपील करना चाहेंगे कि अपने घर में CCTVs वगैरह का उपयोग करें, ताकि हमें आप एक तो डेटरेंस का काम भी करते हैं, दूसरा घरों के बाहर ताले वाले अवॉइड करें, जिससे कि सीधा सीधा न्योता होता है चोरी का, तीसरा कुछ भी इस तरह की अगर संदिग्ध गतिविधि अगर अपने मोहल्ले में आस पड़ोस में अगर लोग देखते हैं, पुलिस को इतला दें, पुलिस का सहयोग करें, ये हम लोगों से उम्मीद करते हैं। सर, हमारा सामान जो चोरी हुआ था वो हमें मिल गया, उसकी रिकवरी हो गई है, लेकिन ये हमारे SHO साहब हैं जो परवेज सजाद, इन्होंने हमारी रिकवरी करवा दी है, और अच्छी खासी रिकवरी करवा दी इन्होंने, जो हमारा सामान गुम हुआ था, अभी इसकी रिकवरी हो गई, उन्हें वहाँ से कोर्ट से रिलीज करवाएंगे। कितनी देर पहले चोरी हुई थी ये हमारी? 8 अक्टूबर को हुई थी, दशहरे वाले दिन। ये हमारी 2:30 बजे से हम गए थे, शादी पे गए थे, तो वहाँ से 6:30 वापस आए, तो रहते हुए चोरी हो चुकी थी। खुश हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। कितने का सामान चोरी हुआ था आपका? ये कोई 11,40,000 का गोल्ड था। क्या सारा रिकवर हो गया? हाँ जी, ऑलमोस्ट सारा रिकवर हो गया, तो बाकी 1,62,000 कैश था, वो भी रिकवर हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस को क्या कहें? सर, बहुत बहुत मुबारक देते हैं उनको, इन्होंने जो हमारा सामान रिकवर करा के दे दिया हमें इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि उन्होंने हमारा सामान भी रिकवर करा दिया। SHO हमारे यहाँ के जो छन्नी के
پرویز سجاد جی ہیں وہ بہت انہوں نے محنت کی ہے اس کام کے لیے, انہوں نے کافی اچھا ریکوری بھی کرا دیا.